Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, today we discuss about saturated and supersaturated solution. So, सबसे पहले हम बात करते हैं saturated solution की. क्या है saturated solution? A saturated solution is one that will not dissolve any more solute at that temperature. यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टूडेंट आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो उसी टेम्परेचर पर लेट्स सपोज रूम टेम्परेचर पर इसमें मज़ीद जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं होता है. ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एडिंग शुगर के डायग्राम है. हम एक कंटेनर में शुगर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये हम रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं. आप एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जब मज़ीद जो शुगर होगी वो डिसॉल्व नहीं होगी और जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो आपके इस तरह कंटेनर में नीचे बॉटम में रह जाएंगे और डिसॉल्व नहीं होंगे. ऐसे पॉइंट पर सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जो पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते वो हमेशा आपके कंटेनर के बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं. आपको सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं. अगर आप 1 कप वाटर में 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आप 1 कप में 1/2 कप शुगर ऐड करते तो 1 कप वाटर में 1/2 कप शुगर जो होती है वो इजीली डिसॉल्व नहीं होती. कुछ डिसॉल्व हो जाएगी और कुछ के पार्टिकल जो होंगे वो बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे. इस पॉइंट पर जो आपका सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. मज़ीद शुगर हम डिसॉल्व कर सकते हैं बट उसके लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस करना पड़ेगा. हमें अपने सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो मज़ीद पार्टिकल डिसॉल्व होंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. हम एक कंटेनर से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेट्स सपोज आपके पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपके पास एक लिक्विड है, लेट्स सपोज ये लिक्विड आपके पास वाटर है. फिर आप ये कुछ ग्रीन कलर के पार्टिकल्स देख रहे हैं. लेट्स सपोज ये ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास कलरिंग पाउडर है, ठीक है. आपने इसको जैसे ही आप इन सॉलिड को लिक्विड में पोर करेंगे तो ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. अब हम आते हैं बी कंटेनर की तरफ. कुछ सॉलिड जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ सॉलिड स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे. अब जब क्रिस्टल कैसे होते हैं, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो ये फर्स्ट वाली डायग्राम है ये, ठीक है. ये आपके पास जो है एक पाउडर फॉर्म होती है, एक फाइन पाउडर फॉर्म होती है जिसमें आपने ये अपना कलरिंग सॉलिड लिया हुआ है. अब ये जो आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये एक्चुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म है. जब आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते तो इस तरह से जो है लिक्विड के अंदर मिक्स होकर एक फॉर्म बना देते हैं, ठीक है. इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म. उसके बाद अगर हम सी कंटेनर पे आए, इवेंचुअली जो होगा आपका डिसॉल्विंग रेट और क्रिस्टलाइज बनने का जो रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा और मज़ीद जो सॉल्यूट होंगे वो डिसॉल्व नहीं होंगे. अब नेक्स्ट डी पे देखिए, लॉन्गर स्टैंडिंग डज नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट. अब जितना टाइम भी इसको रख लें जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुके हैं सिर्फ वही रहेंगे, अब मज़ीद इसकी डिसॉल्विंग अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट मज़ीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए आपको किसी और प्रोसीजर को कंटिन्यू करना होगा. तो यह है स्टूडेंट आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन. नेक्स्ट स्टूडेंट आप अपनी डेली लाइफ में कुछ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. नंबर वन है आपके पास एडिंग सॉल्ट टू वाटर अंटिल इट नो लॉन्गर डिसॉल्व क्रिएट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट ऐड करते जाएं, जैसे 1 ग्लास वाटर में आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया डिसॉल्व हो गया, 2 टेबलस्पून किया डिसॉल्व हो गया, आपने आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट बढ़ा दी. अगर आप 10 या 15 टेबलस्पून सॉल्ट को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मज़ीद जो आपका सॉल्ट है उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा. ऐसे पॉइंट पर आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा. नंबर टू, द अर्थ सॉइल इज सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन. एक पॉइंट पर अर्थ सॉइल यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है उसमें मज़ीद नाइट्रोजन भी जो है वो डिसॉल्व नहीं होती, इस पॉइंट पर वो भी सैचुरेटेड है. चॉकलेट पाउडर, आप सब चॉकलेट पाउडर से फेमिलियर हैं, एडिड टू मिल्क कैन क्रिएट सैचुरेटेड एट द पॉइंट
दैट नो मोर पाउडर कैन बी एडेड। अगर हम मिल्क में चॉकलेट पाउडर को भी ऐड करें तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो मजीद डिसॉल्व नहीं होगा। शुगर कैन बी मिक्स्ड इनटू द टी टू द पॉइंट दैट द टी इज सैचुरेटेड। इवन कि अगर आपकी जो टी है आप उसमें भी बहुत कम अमाउंट में शुगर को ऐड करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर को ऐड करें तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगी, कुछ शुगर के जो पार्टिकल होंगे वो आपके कप या कंटेनर के बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डेड सी को डिस्कस किया था, ठीक है, डेड सी मतलब जिसमें सॉल्ट की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी है कि नो वन कैन सिंक इट, और डेड सी में लाइफ भी नहीं है, यहाँ पर कोई प्लांट्स फिश वगैरह जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो ये जो डेड सी है इसमें वाटर इतना सेचुरेटेड है सॉल्ट के साथ कि इसमें मोस्टली जो सॉल्ट है वो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एज यू कैन सी है ये सब आपको जो नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के पोर्शन है ये सब सॉलिड सॉल्ट क्रिस्टल हैं, यही वजह है कि इसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें कोई भी चीज़ सिंक नहीं कर सकती। नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन दैट हैज मोर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन दैट नॉर्मली डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें नॉर्मल के कंपैरिजन ज़्यादा सॉल्यूट जो होते हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो फर्स्ट कंटेनर है इसके अंदर ये वाटर है, आपने इसके अंदर कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व किया रूम टेम्परेचर पर, एक पॉइंट ऐसा है जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही आपने इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू की मज़ीद जो सॉल्यूट होगा वो इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट ऐसा आएगा जब इसमें मज़ीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे पॉइंट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, ठीक है। ये एक अगर सब डायग्राम वन में देखें तो ये आपके पास लेट्स सपोज एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी है, जिसमें हमने सोडियम एसीटेट की एग्जांपल ली है जिसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, ठीक है। पहले हमने इसको सॉल्वेंट को सॉल्यूट को मिक्स किया तो आपके पास सॉल्यूशन बना, आपने इसी सॉल्यूशन को थोड़ा सैचुरेटेड फॉर्म में लिया है, अब उसके बाद आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्वेंट जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा और जो अमाउंट होगी सॉल्यूट की वो नॉर्मल से ज़्यादा होगी। अब आप इसको केयरफुली एक क्लीन बेकर में एंटर कर दें, इसको ठंडा होने के लिए रख दें। एज यू कैन सी हियर इट बिकम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये तभी तक ही सुपर सैचुरेटेड रहेगा, आप या तो इसको स्ट्रेन ना करें या ना या इसमें कोई सीक या कुछ भी चीज़ जो है वो ऐड ना करें या मजीद सॉल्यूट इसमें ऐड ना करें। अगर आप लेट्स सपोज हमने एक्सेस सोडियम एसीटेट स्टार्च टू क्रिस्टलाइन फॉर्म सॉल्यूशन, हमने अगर इसमें कोई चीज़ ऐड कर दी है इवन के मजीद सॉल्यूट ऐड कर दिया है जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा वो बिकन कर देगा क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर सोडियम एसीटेट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ गया है। क्रिस्टल विल कंटिन्यू टू फॉर्म ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, अंटिल द नॉर्मल लेवल ऑफ सैचुरेटेड इज री, और जो आपके होंगी जितनी भी एक्सेस होगी नीचे बॉटम में होंगे जब तक ये फिर से जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाएगा। सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड एक्सेस सॉल्यूट हैज क्रिस्टलाइज्ड। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही, मैं बातें अपने असाइनमेंट वर्क की तरफ, आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 को लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर मेंशन करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।